की बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, काबुल से खबर आ रही है, तालिबान की सरकार में कौन होगा कार्यवाहक रक्षा मंत्री, इसका नाम अब सामने आ गया। आपको बता दें कि मुल्ला अब्दुल कयूम जाकिर होंगे तालिबान सरकार में कार्यवाहक रक्षा मंत्री। तो देखिए एक नाम सामने आ चुका है। जी हाँ, और आपको ये बता दें, जाकिर ग्वांटानामो जेल में कैदी रह चुका है। जाकिर पर कई आतंकवादी घटनाओं में शामिल होने का आरोप है। और आप सोचिए, ऐसे में एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है, और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से आने वाले समय में तालिबान शासन करेगा। इस वक्त ये बड़ी खबर काबू से आ रही है, जो आपको बता रहे तालिबान की सरकार में कौन होगा कार्यवाहक रक्षा मंत्री, इसका नाम सामने आ गया है। जी हाँ, मुल्ला अब्दुल कयूम जाकिर होंगे तालिबान सरकार में कार्यवाहक रक्षा मंत्री। और इस वक्त की बहुत बड़ी खबर दो बड़े आतंकी संगठनों के बारे में आ रही है। जी हाँ, आईएसआईएस ने तालिबान के खिलाफ खोला है मोर्चा। बगदादी ब्रिगेड ने बरादर को मारने के लिए लड़ाके भेजे हैं, और बरादर पर अमेरिका से हाथ मिलाने का भी आरोप लगाया है। इस्लाम को तालिबान ने अमेरिका के हाथों में गिरवी रखा, अमेरिका से सौदेबाजी का काबुल पर तालिबान ने कब्जा किया है। तो देखिए बहुत गंभीर आरोप यहाँ पर अमेरिका पे लग रहे हैं कि किस तरीके से सौदेबाजी की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दो बड़े आतंकी संगठनों के बारे में ये जानकारी है। आईएसआईएस ने तालिबान के खिलाफ मोर्चा खोला है, बगदादी ब्रिगेड ने बरादर को मारने के लिए लड़ाके भेजे। तो आप समझिए किस तरीके से यहाँ पर आर पार की स्थिति होती नजर आ रही है, और बरादर पर अमेरिका से हाथ मिलाने का भी गंभीर आरोप लगाया गया है। तो ये लगातार हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से स्थिति सामने आ रही है उससे कई सारी चीजें अब क्लियर होती हुई। अब अफगान में तालिबान बना आईएसआईएस। मुल्ला बरादर पर मौत बनकर टूटेगा बगदादी। तालिबान की कब्र खोदने आया आईएसआईएस। काबुल में तालिबानी हुकूमत अभी आकार भी नहीं ले पाई कि बगदादी ब्रिगेड ने हल्ला बोल दिया। बगदादी के खूनी आतंकी बरादर की कब्र खोदने के लिए सीरिया से अफगानिस्तान की ओर कूच कर चुके हैं। आईएसआईएस ने अपनी वीकली पेपर अनलवा में एक लेख लिखकर मुल्ला बरादर और तालिबान के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली है। तालिबान की ये जीत इस्लाम के लिए नहीं है, ये जीत एक सौदेबाजी है, न कि जिहाद। बगदादी के सुसाइड बॉम्बर बरादर को करेंगे खल्लास। तालिबान की डेथ बनेगा इस्लामिक स्टेट। अफगानिस्तान में जीत हासिल कर और अमेरिकी हथियारों पर कब्जा कर तालिबान अब सबसे बड़ा और मजबूत आतंकी संगठन बन चुका है। आईएसआईएस की बगदादी ब्रिगेड को ये बात हजम नहीं हो रही। आईएसआईएस का दावा है कि तालिबान ने मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन अमेरिका से सौदा किया है। काबुल में तालिबान का कब्जा अमेरिकी सैनिकों और जासूसों की मदद से हुआ है। आईएसआईएस ने अलनबा पेपर में लिखा है कि नया तालिबान इस्लाम का नकाब पहने एक बहरूपिया है। अमेरिका इसका इस्तेमाल मुसलमानों को बरगलाने और अफगानिस्तान में अपने गलत मंसूबों के लिए कर रहा है। अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ वो तालिबान की नहीं अमेरिका की जीत है। बगदादी ब्रिगेड तालिबानी बरादर के उस बयान से भी नाराज है जिसमें उसने अमेरिका और पश्चिमी मुल्कों से वादा किया है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठनों को नहीं करने देंगे। बहरहाल तालिबान एक तरफ पंजशीर के पंजे में फंसा है तो दूसरी तरफ आईएसआईएस का खौफ सामने आ खड़ा हुआ है। अब देखना है कि बरादर को उसके बिरादर बाजवा और इमरान कैसे आईएसआईएस के खूनी पंजे से बचाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए आगे बढ़ते हैं, इस वक्त की बड़ी खबर पंजशीर घाटी से आ रही है, जहां मुल्ला बरादर ने तालिबानी लड़ाकों को आधुनिक हथियारों से लैस कर अहमद मसूद से लड़ने भेजा था, लेकिन 7 दिन बाद अब तालिबान ने समझौता करने में भलाई समझी है। पंजशीर में तालिबानी लड़ाकों ने घुटने टेके हैं। अहमद मसूद से बातचीत के लिए भेजा प्रतिनिधिमंडल तालिबान सरकार को मानने के लिए तैयार नहीं। पंजशीर के लोग अहमद मसूद ने कहा, तालिबान से जंग लड़ने की तैयारी पूरी, एंटी तालिबान फोर्स को तजिकिस्तान से मिले हथियार और रसद। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, और अब इस पूरे मामले में देखिए पंजशीर पर जो मामला है वो फंसता हुआ नजर आ रहा है, और तालिबान भी अब इस पूरे मामले में फंसता हुआ नजर आ रहा है।
तो आपको बताएं पंजशीर के शेरों के पंजे में फंसे तालिबानी लड़ाके, जी हां, जिन्होंने रणनीति के तहत नए प्रोपेगेंडा वीडियो को रिलीज किया है। इसका मकसद तालिबान लड़ाकों का हौसला बढ़ाना और विद्रोही सेना को डराने का है। तालिबान ने प्रोपेगेंडा वीडियो रिलीज किया। वीडियो को पंजशीर में लड़ाई का बताया जा रहा है। तालिबान लड़ाके पंजशीर में विद्रोही सेना पर गोलियां दाग रहे हैं। मसूद की सेना का मनोबल तोड़ने के लिए और इसी इरादे से लगातार किस तरीके से प्रोपेगेंडा का वीडियो जारी किया जा रहा है। दहाड़े पंजशीर के शेर, बरादर हुआ ढेर। सात दिन की लड़ाई, तालिबान की आफत आई। तालिबान को पड़ी लात, अब करेगा बात। पंजशीर के शेरों को सरेंडर करने का अल्टीमेटम देने वाला तालिबानी बरादर अब खुद मसूद के सामने सरेंडर को तैयार है। अमेरिका को हराने का दम भरने वाला तालिबान पंजशीर में भीगी बिल्ली बन चुका है। लिहाजा अब वो प्रोपेगेंडा वीडियो अपलोड कर तालिबानी लड़ाकों का हौसला बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तालिबानी लड़ाके वहाँ टिक नहीं पा रहे। अपनी हार को सामने देख तालिबान अब पंजशीर के शेरों के सामने घुटने के बल आ गया है और अहमद मसूद से बातचीत के लिए प्रतिनिधि मंडल भेज रहा है। पंजशीर के लोग लड़े नहीं, बातचीत करें। तालिबान बातचीत के जरिए समाधान निकालना चाहता है। उधर पंजशीर घाटी में अहमद मसूद फ्रंट पर अपनी लड़ाकों की फौज को डिलीट कर रहे हैं। वो दूसरे कमांडरों के साथ मोर्चे पर मौजूद है। उन्होंने ऐलान कर दिया कि अगर तालिबान जंग चाहता है तो जंग ही सही, और नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाके खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे। हम इस इलाके में कभी पाकिस्तानी तालिबानी क्रूरता और तानाशाही को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम तालिबानी टेरर के खिलाफ आखिरी सांस तक लड़ेंगे। पंजशीर में अब तक तालिबान की कोई चाल कामयाब नहीं हुई है। नॉर्दर्न अलायंस में फूट डालने और मौत का डर दिखाकर सरेंडर करने की धमकी फेल होने के बाद अब तालिबान बातचीत करना चाहता है, लेकिन मसूद और सालेह दो टूक कह चुके हैं कि अफगानिस्तान पाकिस्तानी तालिबानी मूल्यों से नहीं, अफगानी मूल्यों से चलेगा, तभी बात बनेगी। हम किसी एक प्रांत के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम पूरे मुल्क के लिए एक प्रांत से लड़ रहे हैं। हम तालिबान को महसूस कराना चाहते हैं कि सिर्फ समझौते और बातचीत से बात बनेगी, और हम उनसे बात कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि युद्ध हो, और हम चाहते हैं कि तालिबान ये जाने कि जो मैंने कहा वही मूल्य मायने रखते हैं, ना कि किसी तरह का सैन्य विजय। इस बीच ताजिकिस्तान से नए हथियार, गोला बारूद और रसद मिलने से मसूद की सेना के हौसले बुलंद हैं और वो तालिबान के दानों का अंत करने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जो पंजशीर से ही आ रही है। एंटी तालिबान फोर्स ने जारी किया है ट्रेनिंग का वीडियो। अफगान के कोटाल ए अंजुमन में मसूद सेना की ट्रेनिंग, ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। और देखिए, तालिबान से लड़ने के लिए मसूद के लड़ाकों की ट्रेनिंग लगातार जारी है। मसूद को ताजिकिस्तान से नए हथियार मिले हैं इसी के साथ, यानी कि यहाँ से सप्लाई किया जा रहा है। और ऐसे में आप समझिए कि किस तरीके के हालात लगातार अफगानिस्तान में बने हुए हैं। एंटी तालिबान फोर्स ने ट्रेनिंग का नया वीडियो जारी किया है।